हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ गेमिंग न्यूज। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं PS4 और रेजेंट एंड क्लैंक के बारे में। तो गाइस आज का हमारा पहला टॉपिक प्ले एट होम स्टार्टेड बाय प्लेस्टेशन। गाइस प्लेस्टेशन ने दोबारा से स्टार्ट किया है ये ट्रेंड # प्ले एट होम। अगर आपके पास एक PlayStation है, अगर आप ओन करते हो और अगर आप ओन नहीं करते हो, फ्यूचर में ओन करना चाहते हो, तो गाइस प्ले एट होम यानी कि सोनी स्टोर पे, PlayStation स्टोर पे रैचेट एंड क्लैंक फ्री मिल रही है। रैचेट एंड क्लैंक गाइस फ्री, एज यू कैन सी गाइस ये गेम फ्री है। एड टू द लाइब्रेरी गाइस, तुम यहाँ पे इसे प्रेस करके लाइब्रेरी में इसे एड कर सकते हो और ये गेम रिडीम कर सकते हो, इस गेम को क्लेम कर सकते हो। तो गाइस जल्दी से जाओ और इस गेम को क्लेम कर लो क्योंकि ये एक बहुत अच्छी गेम है। और गाइस अगर आपके पास PS4 है और PS5 दोनों में से कोई भी है तो गाइस ये गेम दोनों पे चलेगी। ऐसा नहीं कि यहाँ पे PS4 लिखा तो PS5 पे नहीं चलेगी, PS5 पे भी चलेगी क्योंकि PS5 बैकवर्ड्स कंपैटिबल है। गाइस मैंने तो क्लेम कर ली है, बहुत अच्छी गेम है। गाइस द नेक्स्ट थिंग इज PS4 इंडिया प्राइस टू इंक्रीज फ्रॉम March 2021। यहाँ पे गाइस बात हो रही है PS4 स्लिम, PS4 प्रो की नहीं, क्योंकि PS4 प्रो डिसकंटिन्यू हो गया। सोनी ने PS4 प्रो को डिसकंटिन्यू कर दिया है और अनफॉर्चुनेटली अब आपको PS4 दोबारा नहीं देखने को मिलेगा किसी भी कंट्री में। गाइस PS4 इंडिया प्राइस टू इंक्रीज फ्रॉम March 2021। तो गाइस March 2021 स्टार्ट हो चुका है और IGN इंडिया की रिपोर्ट है कि PS4 के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं March 2021 से। The PlayStation 4 will be back in stock in India from March 2021. Guys, PlayStation 4 यानी कि PlayStation 4 Slim, यहाँ पे सिर्फ PlayStation 4 Slim की बात हो रही है क्योंकि PlayStation 4 Pro जो है वो discontinue है। The PlayStation 4 will be back in stock in India from March 2021. Guys, PlayStation 4 Slim वापस से स्टॉक में आएगा इंडिया में March 2021 से। After being unavailable for purchase since the beginning of year 2021 के beginning से, यानी कि जनवरी से ही लोग PS4 Slim को परचेज नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो अनअवेलेबल था या आउट ऑफ स्टॉक था। एज यू कैन सी Amazon, यू कैन जस्ट चेक इट आउट, PS4 1TB Slim कंसोल विद एडिशनल डुअल शॉक कंट्रोलर। तो गाइस आप इसे जैसे खोलोगे Amazon पे यू कैन सी ऑल बाइंग ऑप्शंस। तो गाइस ये आ गया 39,999 रुपीस, यानी कि ऑलमोस्ट 40,000 रुपीस। गाइस ये 40,000 रुपीस का मिल रहा है 1TB का 1 ईयर वारंटी के साथ सोनी PS4 स्लिम। और इसमें एक चीज और है जो कि एडिशनल कंट्रोलर, तो डुअल शॉक कंट्रोलर मेरे हिसाब से 2,000 to 4,000 के अराउंड है। अगर देखा जाए तो नॉर्मल जो PS4 स्लिम का प्रोडक्ट आता था, जो PS4 स्लिम आता था विद सिंगल कंट्रोलर, वो आता है अभी जो प्राइस चल रहा है एट प्रेजेंट 27,990 रुपीज का चल रहा है। तो गाइज 4,000 अगर हम उसको प्लस करें तो भी 40,000 तो नहीं, 31,000 फिर भी माने जा सकते हैं, 32,000 फिर भी माने जा सकते हैं, बट 39,990 ऑलमोस्ट 40,000 नहीं माने जा सकते। एंड यू कैन सी ऑन फ्लिपकार्ट ऑल्सो, गाइज मैंने सर्च किया PS4 कंसोल, मैं दोबारा सर्च कर दे रहा हूँ, सर्च किया मैंने, तो गाइज ये आया सोनी PS4, मैंने इस पे भी क्लिक किया तब भी नहीं आया। PS4 कहीं से कहीं तक नहीं आ रहा, सबसे नीचे ले जाता हूँ, कहीं नहीं आ रहा। गाइज ना तो फ्लिपकार्ट पे है ना ही अमेजोन पे है। गाइज ये है PlayStation की साइट, लेट्स चेक आउट दी हार्डवेयर PS4 PS4 इनक्रेडिबल गेम्स नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट। गाइज चूज योर PS4 कंसोल। गाइज दो कंसोल शो अप हो रहे हैं, PlayStation 4 और PlayStation 4 Pro, बट एज यू नो PlayStation 4 Pro डिसकंटिन्यूड हो गया है बाय सोनी ऑफिशियल, यू कैन नॉट परचेज इट फ्रॉम सोनी लीगली ऑल अराउंड यू। गाइज सिस्टम एंड बंडल्स बाय PlayStation 4, और गाइज यहाँ कुछ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे खरीदूँ। इवन मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, दैट्स नॉट रिस्पॉन्डिंग, दैट्स टू नॉट रिस्पॉन्डिंग, मैं किसी को ओपन नहीं कर सकता। गाइज दैट मीन्स PlayStation 4
PlayStation की ऑफिशियल साइट पे भी अवेलेबल है। गाइज लेट्स मूव टू आवर न्यूज एंड व्हाट्स मोर इज सोनी विल बी इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ द कंसोल। तो गाइज जिसे कहते हैं ना सोने पे सुहागा होना, सोनी एक तो PS4 स्टॉक में वापस ला रहा है इंडिया में और वो उसका प्राइस भी बढ़ाने PS4 स्लिम का नॉट प्रो 1TB वेरिएंट का प्राइस भी बढ़ाने वाला। अकॉर्डिंग टू सेवरल सोर्सेज इन द सप्लाई चेन द PS4 इंडिया प्राइस विल बी ₹29,990 एज अपोज टू द एग्जिस्टिंग ₹27,990 प्राइस। तो गाइस जैसे कि मैंने अभी आपको बताया एट प्रेजेंट जो प्राइस है वो 27,990 है और इन फ्यूचर जब भी रीस्टॉक आते हैं PS4 स्लिम के नॉट PS5 तब प्राइस होगा 29,990। द रीजन फॉर द PS4 प्राइस हाइक इट सीम्स हैज टू डू विद 27,990 बीइंग इट्स प्रमोशनल स्कीम प्राइस एंड ₹29,990 बीइंग द MRP। तो गाइज ये 27,990 जो प्राइस था वो एक प्रमोशनल स्कीम प्राइस था जब PS4 स्लिम अवेलेबल था PlayStation की ऑफिशियल साइट पे, और 29,990 बीइंग द MRP 29,990 है और उसी पे जब भी रीस्टॉक आते हैं PS4 स्लिम के MRP पर ही आपको परचेज करना पड़ेगा इफ यू वांट टू एंड इट्स नॉट अ बैड डील। आप ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। एक्चुअली ये 29,990 रुपीस का भली है MRP जबकि 2000 ये महंगा है, इट्स 2000 रुपीस एक्सपेंसिव बट इट्स वर्थ इट। वो वर्थ कैसे है? क्योंकि आपको PS4 स्लिम भी मिलेगा विद सिंगल कंट्रोलर, साथ में स्पाइडरमैन, रैचेट एंड क्लैंक, ग्रैन टूरिज्मो स्पोर्ट और 3 महीने का PS+ सब्सक्रिप्शन। और गाइस PS4 स्लिम 500 GB का नहीं है बल्कि 1TB का है, तो गाइस मुझे कोई बैड डील नहीं लगती इसमें क्योंकि रैचेट एंड क्लैंक भले ही आपको फ्री मिला हो पर ये सिर्फ फ्री है 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक, तो गाइस क्लेम जरूर कर लेना यार, ठीक है। और ग्रैन टूरिज्मो स्पोर्ट, स्पाइडरमैन, जस्ट मिनट लेट मी शो यू स्पाइडरमैन PS4। गाइस स्पाइडरमैन PS4 1,606 रुपीज का है आफ्टर डिस्काउंट, इसकी MRP है 2499, दैट्स ऑलमोस्ट 2500 रुपीज। तो गाइस यू कैन इवन प्ले इट, और वो भी गेम ऑफ द ईयर एडिशन की बात हो रही है यहाँ पे, नॉर्मल नहीं, गेम ऑफ द ईयर एडिशन की बात हो रही है। और गाइस इवन यू कैन प्ले माइल्स मोरेलेस, यानी कि आप PlayStation 4 पे मार्वल का स्पाइडरमैन माइल्स मोरेलेस भी खेल सकते हैं। जैसे सोनी ने स्पाइडरमैन माइल्स मोरेलेस के लिए कुछ डिसीजंस लिए थे कि वो PS5 के साथ PS4 पे भी लॉन्च होगी, भले वो इतनी ऑप्टिमाइज नहीं थी, वो रे ट्रेसिंग और वो ग्राफिक क्वालिटी भले ही आपको नहीं दिखेगी बट इट्स वर्थ इट, सीरियसली इट्स वर्थ। तो गाइस ऑलरेडी ये 1600 का है और हमें जो प्राइस देखने को मिल रहा है 27,928,000। तो गाइस MRP जब इसकी 30,000 है, साथ में आपको रेचेट एंड क्लैंक, स्पाइडरमैन और ग्रैन टूरिज्मो स्पोर्ट, तो गाइस ग्रैन टूरिज्मो स्पोर्ट भी ऑलमोस्ट 1,000 रुपीज का है, आई थिंक इट्स 999 राइट नाउ। जब आपको ये मिल रहा है इट्स नॉट अ बैड डील, आपने पूरे पैसे वसूल कर लिए, यानी कि वो 2,000 रुपीज ग्रैन टूरिज्मो स्पोर्ट और स्पाइडरमैन को उनको अगर आप एड ऑन करते हो PS4 स्लिम खरीदने के बाद वो अराउंड पड़ेगा आपको 30,600 रुपीज। और गाइस आपको मिल रहा है 30,000 का, यानी कि 600 रुपीज लेस, वेल आई वुड से बुरा नहीं है गाइस, ये आप ले सकते हो इफ यू वांट, मैं ऐसा नहीं कह रहा, बट आपको PS5 ही अगर लेना है तो जस्ट गो फॉर इट। और आपको गाइस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि PS5 अभी रीस्टॉक में नहीं है एंड सीम्स टू कि वो मार्च के एंड में आ सकता है, मेरी सोनी सेंटर से बात हुई है, वो बता रहे थे कि मार्च एंड तक आ सकता है, ऐसे सोनी ने उन्हें बताया है, ऐसी इंस्ट्रक्शंस मिले हैं उन्हें, पर कंफर्मेशन नहीं है अभी, कोई कंफर्म डेट नहीं आई है गाइस, तो जस्ट वेट। इस वक्त आउट ऑफ स्टॉक चल रहा था बट यहाँ पे नोटिफाई मी आ गया है, इसका मतलब मार्च में ये मार्च स्टार्ट हो चुका है और ये भी आने वाला है। तो गाइस जल्दी से जाओ, जिसको भी PS4 लेना है नोटिफाई पे क्लिक करो और अपना नाम, ईमेल आईडी
और जरूरी नहीं कि आप फोन नंबर डालो, बट हाँ पिन कोड डाल देना और नोटिफाई मी का बटन दबा देना। एंड डू टिकट, कीप मी अप टू डेट ऑन न्यूज एंड एक्सक्लूसिव ऑफर्स। गाइस आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप कि मैंने आपकी हेल्प करी हो। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरीज हो, कमेंट्स में पूछ लेना। फिर मिलेंगे ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।